नमस्कार बच्चों, एक बहुत बढ़िया मजा 37 जितनी बड़ी संख्या कितनी आसानी से किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, यदि जिससे मल्टीप्लाई करना है वो 3 से डिविजिबल हो, और 3 से डिविजिबल आपको आता है कि उसका डिजिटल सम यदि 3 से डिवाइड हो या 3 आ जाए तो आपका वो 3 से डिविजिबल होती है। अब स्टार्ट करते हैं। अब 3 से डिविजिबल है ही, अब क्या है कि इसको 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 से डिविजिबल लिखा हमने, 1 आया तो जो आया उसको 3 बार लिख दो, आंसर रेडी। 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 को 3 बार लिख दो, 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 आया, 3 को 3 बार लिख दो, 12 3 से डिवाइड करो, 4 आया, 4 को 3 बार लिख दो, 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 आया, 5 को 3 बार लिख दो, 18 3 से डिवाइड करो, 6 आया, 3 बार लिख दो, आंसर रेडी। 27 3 से डिवाइड करो, 9 आया, 3 बार लिख दो, 33 कितनी बार आया, 2 बार 11 आया, कोई दिक्कत नहीं, 11 आ गया। अब क्या करना है, इधर जो 1 आया उसको 3 बार लिखो और दूसरे 1 को इधर 3 बार लिखो, दोनों को जोड़ दो, 1 2 2 1, आंसर रेडी। 123 कितनी बड़ी संख्या है, 123 / 37, देखिए मजा, डिवाइड बाय 3 = 41, जो पहले आया उसको पहले 3 बार लिखो, यानी 1 1 1, जो बाद में आया उसे बाद में 3 बार लिखो, एक छोड़ करके जोड़ दो, 288 और बड़ी संख्या, 3 से डिवाइड करो, 3 × 9 = 27 और 3 × 6 = 18, पहले आया उसको पहले लिख दो 3 बार, जो बाद में आया एक छोड़ के बाद में लिख दो, 6 5 6 और 10, आंसर रेडी। 344 3 से भाग दे दो, क्या आया भाई, 1 1 4, सबसे पहले जो आया उसको सबसे पहले लिख दो, उसके बाद 1 आया एक छोड़ के लिख दो, फिर 1 आया एक छोड़ के लिख दो भाई, 4 5 6 2 1, थैंक यू वेरी मच।